हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? गुड मॉर्निंग। आई होप आप अच्छे ही होंगे। गाइज, हम भी अच्छे ही हैं। हम आए हुए हैं गाइज आज सबलगढ़। तो हम सबलगढ़ की आज आपको लेटेस्ट अपडेट दिखाएंगे गाइज, पीछे वाले बैक कैमरे से। तो गाइज, सबलगढ़ में आपका काम चल रहा है बहुत ही फास्ट, न्यू ब्रॉडगेज लाइन का, ग्वाली शोपर कोटा न्यू ब्रॉडगेज लाइन का। देखिए, ब्रिज बन रहा है आपका, ये पिपरगान रोड के पास, जहाँ पर आपका खार नाले का गंदा पानी निकलता है, उसी उसके ऊपर छोटी सी पुलिया बनी हुई थी आपकी नैरोवेज की, जो नैरोवेज ग्वालियर शोपर के लिए आपकी ट्रेन चलती थी, उसी जगह पर आपका ब्रॉडगेज लाइन का न्यू ब्रिज बन रहा है, ग्वालियर शोपर कोटा न्यू ब्रॉडगेज लाइन का, जो दिसंबर माह की लेटेस्ट अपडेट दिखा रहे हैं गाइज हम आपको, 23 दिसंबर की। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे गाइज। तो दिखाते हैं हम आपको यहाँ का सबलगढ़ का लेटेस्ट नज़ारा पीछे वाले कैमरे से। देखिए, सबलगढ़ सिटी के लेटेस्ट अपडेट है जो दीवान पैलेस से दिखा रहे हैं हम आपको, सबलगढ़ का लेटेस्ट नज़ारा। दीवान पैलेस की तरफ से चल रहे हैं हम सबलगढ़ के लिए, अंदर के लिए। दिसंबर की लेटेस्ट अपडेट है, समय 9:30 बजे का। तो देखिए, पिपरगान रोड के पास आपकी खारनाली की पुलिया पे बन रहा है आपका अंडर ब्रिज, जहाँ पर आपका नैरोगेज लाइन का ब्रिज बना था, उसी लाइन पे आपका न्यू ब्रॉडगेज लाइन का ब्रिज बन रहा है, काफ़ी बड़ा, जो ग्वालियर शोपर कोटा न्यू ब्रॉडगेज लाइन का ब्रिज है। 23 दिसंबर की लेटेस्ट अपडेट है, टाइम है 9:30 बजे का गाइस, सुबह की लेटेस्ट अपडेट है सबलगढ़ की। तो गाइस देखिए, नैरोगेज की पटरियाँ वगैरह उखाड़ के यहाँ पर रख दी गई हैं, जो आपका सबसे पहले पुराना बस स्टैंड था है, चंबल कॉलोनी की तरफ का नज़ारा है। देखिए, यहाँ पर टंकी के पास का नज़ारा है, इधर आपका रेस्ट हाउस बना हुआ है, सफ़ेद वाइट कलर का दिख रहा है। तो आपकी नैरोगेज की पटरियाँ देखिए यहाँ पर रखी हुई हैं उखाड़ गए, ग्वालियर शोपर के लिए जो आपकी नैरोगेज चलती थी, उस नैरोगेज की पटरियाँ यहाँ पर रख दी गई हैं उखाड़ के, जो सबसे पहले का ओल्ड बस स्टैंड था आपका है, उसी जगह पर आपकी नैरोगेज की पटरियाँ उखाड़ के रखी हुई हैं गाइस। और यहाँ की लेटेस्ट अपडेट दिखा रहे हैं हम आपको। देखिए, नगर पालिका के पास आपका ये बन रहा है सिटी अंडरब्रिज, ग्वालियर शोपर कोटा न्यू ब्रॉडगेज लाइन का अंडरब्रिज बन रहा है, रेलवे लाइन का। तो देखिए, वो ट्रक रखा है उस जगह पर था आपका रेलवे का फाटक नैरोगेज लाइन का, तो अभी इस जगह पर बन रहा है आपका सिटी का अंडरब्रिज, जो ग्वालियर शोपर कोटा न्यू ब्रॉडगेज लाइन का है, जो आपका नगर पालिका के पास बन रहा है। देखिए, दोनों साइड से हो गया है खड़ा, काम रह गया है ऊपर का। देखिए, काफ़ी फास्ट चल रहा है यहाँ पर काम। इधर आपका रेलवे स्टेशन सबलगढ़ का, और दिखा रहे हैं यहाँ की लेटेस्ट अपडेट आपको दिसंबर माह की। तो देखिए, ये आपका सबलगढ़ नैरोगेज का स्टेशन, जहाँ पर देखिए कितनी पटरियाँ डली हुई हैं, 1, 2, 3, 4 पटरियाँ डली हुई हैं। देखो, यहाँ पर सबलगढ़ नैरोगेज स्टेशन का सबसे बड़ा स्टेशन था, जहाँ से आपकी गाड़ी, काफ़ी गाड़ी चलती थी यहाँ से, सबलगढ़ और ग्वालियर के बीच काफ़ी गाड़ियाँ चलती थी। शोपर के लिए तो केवल आपकी 2 गाड़ी चलती थी, 1 सुबह 1 दोपहर, और सबलगढ़ स्टेशन से आपकी 3 गाड़ियाँ चलती थी, जो एक ग्वालियर के लिए जाती थी, 1 शोपर के लिए, और बाकी 2 दोपहर में भी चलती थी गाड़ी, और 1 चलती थी आपकी सबसे खास ट्रेन DRC, जो दोपहर चलती थी आपके 2:30 बजे। तो आपके सबलगढ़ में काफ़ी ट्रेनें चलती थी नैरोगेज की। तो सबलगढ़ की लेटेस्ट अपडेट दिखाएंगे गाइस, सबलगढ़ का ये प्लेटफार्म नैरोगेज का रेलवे स्टेशन। तो गाइस, इसी सबलगढ़ तहसील के हम रहने वाले हैं गाइस।
मेरा नाम गायस देवेन जाटव है, जो मैं मुरानी जिले की सवलगढ़ तहसील का रहने वाला हूँ। सवलगढ़ तहसील में आपका सिविल हॉस्पिटल है, उसी के पास मेरा घर है गायस, तो मैं वहीं से बिलोंग करता हूँ, जो आपके लिए रेलवे की नई नई लेटेस्ट अपडेट देता रहता हूँ गायस। तो हम आपको यहाँ की पूरी लेटेस्ट अपडेट दिखाएंगे गायस, और पीछे वाले बैक कैमरे से। तो चल रहे हैं गायस रेलवे स्टेशन से हम आपके चंबल कॉलोनी की तरफ, तो उधर का नज़ारा दिखाएंगे गायस हम आपको। सुपर कोटा न्यू ब्रॉड इस लाइन की लेटेस्ट अपडेट है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो देखिए आपका सवलगढ़ नेहरू ब्रिज का स्टेशन है जो सामने दिख रहा है आपको। देखो यहाँ पर अभी भी पटरियाँ वगैरह डली हुई हैं, हटाई नहीं गई हैं पूरी तरीके से। देखिए यहाँ पर क्या कंडीशन है, कितनी गंदगी वगैरह मची हुई है, देखो कितना पानी कीचड़ कितना हो रहा है। देखिए सवलगढ़ की क्या हालत है। मुरैनी ज़िले की सबसे बड़ी तहसील है सवलगढ़, सवलगढ़ तहसील का देखिए नेहरू ब्रिज स्टेशन, ओल्ड नेहरू ब्रिज स्टेशन जो आज भी बना है, अभी हटाया नहीं है, अभी मिटारा नहीं है। तो देखिए यहाँ की लेटेस्ट अपडेट दिखा रहे हैं हम आपको। नगर पालिका है इधर, देखिए इधर आपकी नगर पालिका है, इधर आपका नेहरू ब्रिज स्टेशन है। तो देखिए मशीन वगैरह चल रही है आपकी। देखिए बन रहा है आपका ब्रिज, कार नाली की पुली आप है। सवलगढ़ में बन रहा है आपके पेपरगान रोड के पास, कार नाली की पुली आप है। ब्रिज बन रहा है न्यू ग्वाली सुपर कोटा न्यू ब्रॉडेज लाइन का। देखिए ये आपका ओल्ड ब्रिज है नेहरू ब्रिज लाइन का, उसी लाइन पर बन रहा है आपका ब्रिज बड़ा ग्वाली सुपर कोटा न्यू ब्रॉडेज लाइन का। काफ़ी फास्ट चल रहा है काम। देखिए ब्रिज बहुत जल्दी बन के होगा तैयार आपका सवलगढ़ में। वर्कर काम कर रहे हैं देखिए, सुबह से ही, सुबह का टाइम है, टाइम 9 बजे का है, 23 दिसंबर की लेटेस्ट अपडेट है। और इधर जाते हैं हम सवलगढ़ रेलवे स्टेशन की तरफ। इधर है आपका सवलगढ़ नेहरू ब्रिज का रेलवे स्टेशन। इधर देखिए ब्रिज बन रहा है, कारनाली के पुलिया के पास से आपका ब्रिज बन रहा है। और दिखा रहे हैं आपको सवलगढ़ की लेटेस्ट अपडेट। न्यू ब्रॉडेज लाइन का काम चल रहा है काफ़ी फास्ट, जो अली सुपर कोटा न्यू ब्रॉडेज लाइन का काम काफ़ी फास्ट चल रहा है। मशीन लगी हुई है देखिए काम चल रहा है। तो हम आपको दिखा रहे हैं पेपरगान रोड की तरफ का नज़ारा, जहाँ पर आपका काम चल रहा है काफ़ी फास्ट। तो यहाँ की लेटेस्ट अपडेट दिखाएंगे हम आपको पूरी। तो देखिए यहाँ पर खुदाई वगैरह हो गई है, यहाँ पर काफ़ी काम चल रहा है काफ़ी फास्ट। देखिए ये पेपरगान रोड है आपका सवलगढ़ में, आपका पेपरगान रोड है जो यहाँ पर बनेगा आपका अंडरब्रिज। तो देखिए अंडरब्रिज का काम चल रहा है यहाँ पर,
इधर के लिए ये लाइन जाती है आपकी शोपर के लिए, रामपाड़ी होती है शोपर के लिए जाती है। देखिए पेपरगान रोड है जहाँ पर आपका अंडरब्रिज बनेगा, जहाँ पर रेलवे फाटक बनेगा। ओल्ड नेहरू इस लाइन का यहाँ पर रेलवे का फाटक हुआ करता था पहले, तो उसी लाइन पे जहाँ पर आपकी नेहरू गेज की पटरियाँ डली थी उसी लाइन पे आपकी न्यू ब्रॉड गेज लाइन की पटरियाँ भी बिछेंगी यहीं पे। तो आपका अंडर ब्रिज है पेपरगान रोड पे। और आपको लेटेस्ट अपडेट दिखाते हैं सबलगढ़ की पूरी दिसंबर माह की, 23 दिसंबर की आपको पूरी लेटेस्ट अपडेट दिखाएंगे हम सबलगढ़ की, आपके सबलगढ़ का पूरा लेटेस्ट नज़ारा दिखाएंगे हम आपको। तो बाय बाय फ्रेंड्स, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।